हेलो फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के पेटीएम का साउंड बॉक्स आपके पास भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के पेटीएम के जो साउंड बॉक्स को आप बिना ख़राब किए इसमें म्यूजिक प्लेयर या ब्लूटूथ किट लगा सकते हो। फ्रेंड्स, वो आप कैसे लगाओगे उसका ही आज ये वीडियो है। ना इस पेटीएम बॉक्स को हमें ख़राब करना पड़ेगा, ये हमेशा हमारा काम आता रहेगा। ये पेटीएम बॉक्स भी रहेगा, प्लस इसमें ब्लूटूथ म्यूज़िक भी बजा सकते हो। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, लेकिन ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। पहले वाला वीडियो में जो मैंने ब्लूटूथ MP3 लगाया था तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए अलग से उसमें एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ा था, तो इस वीडियो में एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें कनेक्शन करने का कुछ नया तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसमें हमें स्विच लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो इस पेटीएम साउंड बॉक्स में लगा हुआ स्विच है जो इसमें ऑन ऑफ करने का काम आता है, वही स्विच से इसका कनेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आप सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को कम्प्लीट देखिए और ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं ये बताऊंगा और कहां से इसका कनेक्शन निकालते हैं उसका तरीका आप इस वीडियो में सीख पाओगे। तो चलिए पहले इस साउंड बॉक्स को पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कनेक्शन कैसे करना है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने इसको ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, इसका सर्किट मेरे हाथ में है। चलो अब इसका कनेक्शन पहले दिखा देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे आइडियो का इनपुट था, और ये जो बैटरी का कनेक्टर दिख रहा था वहाँ से मैंने पहले सप्लाई लिया था। तो चलिए पहले इसके बैटरी का कनेक्शन हम लगा देते हैं इसमें, उसके बाद इसमें सप्लाई कैसे ढूंढना है उसको दिखाऊँगा फ्रेंड्स। इस सर्किट में जहाँ पर हमने आइडियो इनपुट दिया था वो कनेक्शन तो वही रहेगा फ्रेंड्स, बस इसमें हमें सप्लाई ढूंढना है। अभी जो इसमें ऑन ऑफ का स्विच लगा है उसको हम पहले ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन हो चुका है, इसमें रेड लाइट जल रहा है। जहाँ से स्पीकर का वायर निकला रहता है वहीं पर होता है साउंड एम्पलीफायर सर्किट। ये आप देख सकते हो, ये है इसका साउंड एम्पलीफायर IC, जहाँ से स्पीकर का वायर निकला है फ्रेंड्स, उसमें हमें सप्लाई ढूंढना है। उसमें माइनस सप्लाई, प्लस सप्लाई, प्लस आइडियो आउट इनपुट, ये सब दिया हुआ है। तो हमें आइडियो इनपुट का कनेक्शन पता है, तो हमें उसमें सप्लाई ढूंढने के लिए मैंने एक LED ले लिया है और एक उसमें 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है फ्रेंड्स। इस LED के माध्यम से हम जो उसमें 5 वोल्ट का सप्लाई है उसे ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स। आप मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हो। मेरा मल्टीमीटर अभी ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, इस क्रम में इसमें सिंपल ट्रिक आजमा रहा हूँ। इस LED और रेजिस्टेंस के माध्यम से हम इसमें सप्लाई ढूंढ सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो पहले इसके LED को मैं चेक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। जो बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव है उसमें कनेक्ट करने से इस प्रकार से LED ग्लो होगा। अभी हमें साउंड IC में 5 वोल्ट ढूंढना है फ्रेंड्स। उसके लिए हमें पहले इसके बैटरी के कनेक्टर को निकाल के, जो इसका बैटरी का कनेक्टर में निगेटिव वायर है फ्रेंड्स, उसमें हमें LED का निगेटिव वायर को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद उसे कनेक्टर को वापस लगा देना है फ्रेंड्स, और उसके बाद एक बार इसको और चेक करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये रेड वायर है, इसको जैसे ही पॉजिटिव 5 वोल्ट मिलेगा वो LED ऑन हो जाएगा, तो उसको हमें इस IC में ढूंढना है फ्रेंड्स। ये काम करते वक्त आपको ये सावधानी रखना है फ्रेंड्स कि जो IC में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, वरना हमारा IC ख़राब हो जाएगा। हमें तो शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा, लेकिन IC ख़राब हो जाने का डर रहेगा फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने ये एक प्रोब बना लिया है। अब इसमें हमें आसानी से उसके सभी पिनों को टच कराते बन जाएगा। ये जुगाड़ आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? चलिए अब IC के सभी पिन में टच करा के देखते हैं फ्रेंड्स किसमें ये LED ऑन होता है। अभी ये सर्किट ऑफ में है, तो जिसमें ये अभी LED ऑन होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले सर्किट को ऑन करके देख लेते हैं एक बार। पहला पिन, दूसरा पिन, देखो फ्रेंड्स तीसरा पिन में इसमें सप्लाई आ रहा है, लेकिन मैं सर्किट को ऑन कर रहा हूँ तो भी उसमें आ रहा है, और बंद कर रहा हूँ तो भी उसमें आ रहा है। अब बाकी किसी पिन में भी इसमें +5 वोल्ट का सप्लाई नहीं आ रहा है। अभी इसमें +5 वोल्ट तो आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो स्विच से ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। जो इस सर्किट में स्विच दिया है इस पेटीएम बॉक्स को ऑन ऑफ करने के लिए, उसमें ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, जो इसमें पॉजिटिव है वो इस IC में कॉमन टाइप का दिंग कर दिया है। इसमें जो निगेटिव सप्लाई है वो इस स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ हो रहा होगा। तो चलिए इसका कनेक्शन पहले चेंज करना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो LED का निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ रखा था, तो अब हमें LED का पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ के रखना है।
और उस आईसी में निगेटिव सप्लाई ढूंढना है, क्योंकि इसके एम्पलीफायर सर्किट में हमें पॉजिटिव का सप्लाई स्विच से नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, तो निगेटिव का सप्लाई स्विच से मिल जाएगा उसमें। ये आप देख सकते हो मैंने इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया है, पहले जो निगेटिव में कनेक्ट था उसको अब पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम ढूंढेंगे निगेटिव सप्लाई। यदि यह सप्लाई आप मल्टीमीटर से ढूंढोगे तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से ढूंढ पाओगे। मैं एलईडी के माध्यम से ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि हर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं होता है। देखो एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अब जैसे इसको निगेटिव सप्लाई मिलेगा ये एलईडी ऑन हो जाएगा। तो चलिए पहले बंद सर्किट में ही चेक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स किसमें किसमें मिल रहा है किसमें नहीं मिल रहा है। ये आप देख सकते हो किसी किसी पिन में थोड़ा थोड़ा सप्लाई मिल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रहा है। कोई कोई पिन में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सप्लाई मिल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये अभी सर्किट ऑन नहीं हुआ है तो मिल रहा है। जब हम सर्किट को ऑन करने के बाद ढूंढेंगे, ये आप देख सकते हो मैंने इसके सर्किट को ऑन कर दिया, उसके बाद हमें पिन नंबर एक में ही हमें सप्लाई मिल चुका है। इस आईसी के फर्स्ट पिन में जो सप्लाई मिल रहा है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसका स्विच को ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ ये आपको दिखा देता हूँ, ये भी एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है। इस आईसी के इस पिन से हम निगेटिव सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई वहीं बैटरी के पास से आएगा और निगेटिव सप्लाई यहाँ से आएगा जिसमें हम पहले आइडियो इनपुट जोड़े थे। आइडियो इनपुट का कनेक्शन वही रहेगा, अभी मैं उसको कनेक्शन करके दिखाऊँगा, वीडियो पर बने रहना। इसमें इस टाइप का ब्लूटूथ मॉड्यूल मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चिपकाने के लिए मैं इसमें डबल साइड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए पहले इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन करना एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ लिखा रहता है, कौन इसका इनपुट है, कौन आउटपुट है, कौन इसका सप्लाई है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। अभी इसमें हमें तीन वायर जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक ग्राउंड का, एक दूसरा VCC सप्लाई का और तीसरा आइडियो आउटपुट का। ये मैंने इसमें वायर जोड़ दिया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये येलो कलर निगेटिव सप्लाई है और ऑरेंज कलर पॉजिटिव सप्लाई और ये ब्लू कलर आइडियो आउटपुट है। इसको पहले डबल साइड टेप से हम चिपका लेते हैं, उसके बाद इसके चलो कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन आप देख लीजिए, ये जो कनेक्टर है वो प्लस 5 वोल्ट है, तो पहले हम रेड कलर के वायर को उस 5 वोल्ट में सोल्डिंग कर देते हैं। इस रेड कलर के वायर से मॉड्यूल को प्लस 5 वोल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। अब हमें जोड़ना है निगेटिव 5 वोल्ट, तो ये जो आईसी के फर्स्ट पिन में हमने जहाँ पे ढूंढा था उसमें इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो इस मॉड्यूल को सप्लाई का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें इसका आइडियो जो आउटपुट है उसका कनेक्शन करना है। इस मॉड्यूल के आइडियो आउट को जो इस छोटा सा रेजिस्टेंस लगा है फ्रेंड्स वहाँ पर हमें देना है, जो हम पिछले वीडियो में भी इसी में दिए थे, उसका कनेक्शन बिल्कुल ओके है। ये आप देख सकते हो इसका कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। चलो इसको अब रिवर्सिबल टेप से चिपका लेते हैं। उससे पहले मैं इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पीकर लगा के देख सकते हैं आप, आवाज़ सुन सकते हो इसका। जैसे ही मैंने इसको चालू किया फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल काम कर रहा है, इसमें से पावर ऑन बोल के आवाज़ आया है। तो चलिए जैसे ये अपने कैबिनेट में फिट था वैसे ही इसको पूरा फिटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अभी इसको इसके कैबिनेट में फिट करने के बाद इसको हम चला के देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देख लेना और बताना कि कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको चार्जिंग करना भी एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, जो इसका चार्जर था उसी में ये चार्जिंग होगा और इस प्रकार से इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन भी हो जाता है। जैसे पहले ऑन होता था वैसे ही ऑन होगा। पहले मैंने और भी इसको कनेक्ट करके देखा था फ्रेंड्स, इस कारण ये मेरा मोबाइल से कनेक्ट। तो मैं इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको सुना देता हूँ। ये आप इसका आवाज़ सुन सकते हो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा बेस नहीं है क्योंकि मैंने इसमें स्पीकर चेंज नहीं किया है। जो पहले वीडियो बनाया था मैंने उसमें एक अच्छा वाला स्पीकर भी लगाया था फ्रेंड्स, इस कारण वो बहुत बेहतर है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। इस स्पीकर में ट्रेवल ज़्यादा है फ्रेंड्स, बेस बहुत कम है, ज़्यादा बेस है ही नहीं फ्रेंड्स। इसका आवाज़ की बात करें तो आवाज़ तो लगभग ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें बेस नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।